एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और आज है वेडनेसडे, बज रहे हैं 8। कल ट्यूसडे था और मुझे मतलब मैंने कल कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया और मतलब ना ही कोई मैंने बनाया, क्योंकि मुझे क्या हुआ परसों, जब मंडे था, मंडे को फिर हस्बैंड मेरे रात को 1:30 बजे लौट के आए हैं। 1:30 बजे यानी उस दिन तो फिर ट्यूसडे ही हो गया था, तो 1:30 बजे जब वो आए तो हमें सोने में फिर 2:30 बज गए थे। वही आते हैं तो फिर थोड़ी बातचीत वगैरह ये सब होता है, तो इसीलिए फिर मुझे मैंने 2:30 बजे हम लोग सोए हैं। और फिर अगले दिन मुझे फिर 5 बजे उठना पड़ा, सिर्फ मैं 2.5 घंटे सोई थी। तो तविशी को क्योंकि स्कूल भेजना होता है तो इसीलिए ही 5 बजे मुझे उठ के उसका लंच वगैरह प्रिपेयर करना था, तो 2.5 घंटे सोने को मुझे मिला। और फिर सारा दिन मुझे फिर जब तक ऐसा लग रहा था, काम करते करते भी घर का भी काम मैंने ख़त्म किया, 11 से 12 बज गए थे मुझे काम ख़त्म करने में, तो मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। बहुत ही मन कर रहा था कि बस मेरे को कहीं भी जगह मिले और मैं सो जाऊं, ऐसा लग रहा था। तो जैसे मेरा काम ख़त्म हुआ 12 बजे, मैं तब फिर मैंने सोचा कि चलो सो जाती हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं आधे घंटे सोऊंगी। आधे घंटे बाद आँख खुली 12 से, मतलब मैंने सोचा था अब 12:30 और होंगे, नहीं, लेकिन 12:30 नहीं हो रहे थे, 2 बज गए थे। तभी जी 3 बजे आती है तो 2 से 3 का मेरे पास टाइम था। फिर मैंने फटाफट उसके लिए लंच बनाया, अपने लिए भी लंच वगैरह बनाया और फिर वो आ गई। फिर उसके बाद वही है, बच्चे के साथ टाइम पता नहीं चलता, सारा टाइम लग जाता है, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाई। और दूसरा, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। होता है ना कि कभी कभी मूड ही नहीं करता, तो बस वही मेरे साथ हुआ था। फिर उस कल ही फिर मैंने क्या किया, ट्यूसडे वाले दिन मैं अपने पुराने वीडियोज़ उठाकर देखने लगी। तो मैंने शुरू के जो मेरे 5-6 वीडियोज़ हैं वही देख रही थी। एक तो मेरी राजमा रेसिपी है और एक हेयर मास्क वाली है और भी 2-4 और भी मतलब वीडियोज़ हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मैं शुरू में देख रही थी तो मुझे लग रहा था, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, मतलब कैसे कैसे वीडियोज़ हैं, कितने बकवास वीडियोज़ हैं। लोगों ने देखा होगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे ना, बिल्कुल मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा, इतनी हेजिटेशन हो रही है। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, ऐसे लगता था हे भगवान, कितने सारे लोग मुझे देख रहे होंगे ना, क्या सोच रहे होंगे ना। तो पूरे टाइम मतलब यही सब सोच के ना, मतलब इतना डर लगा करता था, वही डर मेरे फेस पे आता था। और वही जब मतलब अगर कोई वीडियो देखेगा ना तो उसे साफ पता चल जाएगा ये कितना डर रही है। तो वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे वो देखना, कि मुझे लग रहा था हे भगवान, बस ये हटा दूँ वीडियो, ये चले जाएँ कहीं, बस क्यों, मतलब लोगों ने मतलब क्या बस क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे बारे में, तो ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन फिर भी उसके बाद थोड़ी सी मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे पता चल गया कैमरा कैसे फेस करते हैं, और ये भी टेक्निक पता चल गई है कि पहले ये भी नहीं पता चलता था मुझे कि भाई जैसे कैमरा है तो मैं फ्रंट कैमरा से नहीं बनाती थी, क्योंकि जो मेरा मोबाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मैं फ्रंट कैमरा से मोबाइल जो मेरे पास पहले वाला मोबाइल था उससे मैं वीडियोज़ नहीं बनाया करती थी, क्योंकि उससे पिक्चर जो थी वो बहुत ही गंदी आती थी। तो उससे अब वो बैक कैमरा से अब जब हम कर रहे होते हैं तो हमें यही नहीं पता चलता कि मैं दिखाई दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, तो कई बार तो एंगल भी इधर से उधर हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, अब मालूम पड़ गया है कि कहाँ से कैसे करना है। गलतियाँ तो अभी भी होती हैं मेरे वीडियोज़ में, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, 4-5% मैं थोड़ा सा आगे निकल आई हूँ। तो बहुत ही फनी लगे मुझे अपने जो मेरे जो वीडियोज़ थे ना, अगर मतलब अब कोई देखेगा ना, सच में बहुत ही मतलब पता नहीं, बस मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हूँ अपने वीडियोस, अगर कोई देखेगा तो बस क्या कहेगा पता नहीं। और अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं, डिनर की मैंने मतलब तैयारी शुरू कर दी, अभी करेंगे तो नहीं, 8 बज रहे हैं, तो मैंने आज बनाने वाली हूँ मैं न्यूट्रीला, वही मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, उसको बॉयल कर रही हूँ, फिर उसके बाद सिंपल जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी। और फिर तविशी को भी पढ़ाना है, तविशी अभी जस्ट खेल कर आई है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो अभी जैसे 8:15 हो रहे हैं, 8:30 तक वो कह रही है कि मम्मा थोड़ा रेस्ट करने दो फिर मैं पढ़ूंगी, तो मैं उसको फिर बैठ के पढ़ाऊंगी भी, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प तो करनी पड़ती है बच्चे की, थोड़ा सा वो होमवर्क कंप्लीट करेगी बीच में, जब तक मैं थोड़ी थोड़ी उसकी हेल्प करती रहूंगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि क्योंकि उसकी यूटी तो अब स्टार्ट हो ही गए हैं, उसीलिए उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन उसको करा दूँ, तो वो कराना ज़रूरी है, कर तो वो ऐसे खुद ही लेती है, लेकिन फिर भी बच्चों को हेल्प करना तो ज़रूरी होता है, गाइड करना ज़रूरी होता है, तो देखना भी पड़ता है बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई उन्हें अगर कन्फ्यूज़न है तो वो भी उनको दूर करनी, मतलब हमारी फ़र्ज़ है कि हम बताएं कि नहीं ये चीज़ ठीक है ये गलत है, तो वही सब मैं उसे करूँगी, उसकी हेल्प करूँगी, तो ये वाला काम भी रहता है अभी। और डिनर के लिए मैंने आज बनाया है, मैं बनाने वाली हूँ न्यूट्रेला, तो उसी के लिए मैं ये बॉईल कर रही हूँ, और फिर जब ये बॉईल हो जाएंगे तो इनमें आलू मिक्स करके मैं जैसे नॉर्मल तड़का लगाते हैं आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, बस उसी में ये मिक्स कर लूँगी। तो बस सबसे पहले तो मुझे डिनर प्रिपेयर करना है। एक तो ना रोज़ का सबसे बड़ा जो झमेला होता है ना, यही सोचना होता है कि खाने में क्या बनाना है,
सुबह उठो, मॉर्निंग में सोचो अरे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, बच्चे को लंच में क्या देना है, दोपहर में क्या बनाना है, फिर उसके बाद रात को क्या बनाना है, मतलब सारा दिन ना यही लग जाता है। अब कोई भी खाना बनाने के लिए चलो तो 15 से 20 मिनट यही सोचने में लग जाते हैं कि हम लोग क्या बनाएं। फिर फ्रिज में झांको, देखो अच्छा ये बनाना है, अरे ये तो बेटी को अच्छा नहीं लगता, अरे ये बनाना है, ये तो रात की सब्जी है, इसमें ये तो वैसी ग्रेवी वाली है ही नहीं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग मतलब ऐसा घूम जाता है ना, रोज़ का यही टेंशन, रोज़ का यही टेंशन कि यार रोज़ रोज़ अब क्या बनाएं, रोज़ रोज़ हम क्या खाएं। आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, यही वाली प्रॉब्लम पक्का है। हर जो हाउस वाइफ है उसको जब भी उसे खाना वाना जब बनाना होता है पक्का वो एक बार तो कंफ्यूज होती होगी कि उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब देखो डिनर के लिए मैंने सोच लिया, अब मैं कल के लिए सोच लूँ कि कल तवीशी के लिए टिफिन में क्या दूँ और क्या बनाऊँ, वो खा भी ले मतलब और ठीक से, और मतलब सबका ही काम हो जाए। उसके बाद जब वो काम खत्म हो जाएगा घर की साफ सफाई वगैरह में लग जाएंगे, और उसके बाद फिर लंच के लिए सोचना पड़ जाएगा। तो ऐसा तो हम लोग सबके साथ ही होता होगा, पक्का है। आप भी मुझे बताना कमेंट करके कि आपको भी ये कन्फ्यूज़न होती है या नहीं। एक बात और, मेरे एक मतलब कुछ एक ही सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरा वीडियोस पूरा देखते हैं और जो मैं कोई कोई बात पूछती हूँ तो उसका रिप्लाई देते हैं, जैसे लतिका शर्मा हो गई, और एक है अनीता बिष्ट हो गई, और निधि शर्मा है, और महुआ कॉर्नर है। तो मतलब ऐसे कुछ एक सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब मुझे हमेशा मेरे वीडियोस में उनके कमेंट आते ही आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि लगता है कि ये लोग मेरे से कनेक्ट हैं। तो आप लोग भी जैसे मेरे साथ कनेक्टेड हो, मुझे अच्छा लगता है आप देख रहे हो, व्यूज से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट देंगे ना तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पूरे वीडियोस को देखा कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए किया कीजिए, क्योंकि ये एक तरीके से ये एक वे है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर, मेरी बातें तो आप सुन लेते हैं लेकिन मैं कैसे जानूं कि आपकी बातें कैसे जानूं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप मेरे वीडियोस को देख के क्या सोच रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये मुझे बताएं तो कमेंट करके। तो प्लीज़ आप मुझे मतलब मैं आपके साथ फील करना चाहती हूँ कनेक्टेड, कि यही तरीका है और इसी तरीके से हमें पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, किस तरीके का सोच रहे हैं, और उन्हें मतलब मेरे कैसे वीडियोस पसंद आते हैं। तो हाँ, और ये भी सजेस्ट करना कि अब आप आगे किस टाइप के वीडियोस और देखना चाहते हैं, कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं आप ही की मर्जी से, आप ही की जो रिक्वेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना सकूँ। अभी क्या हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। आज भी बस मैं बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बस यही कि चलो कोई बात नहीं, आज मैंने कोई वीडियो जब अपलोड नहीं किया तो आप लोगों से बातें ही कर लूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अपने रूम का पंखा बिल्कुल बंद कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज ऐसा लग रहा है जम के बारिश होने वाली है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था मेरा आज के लिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे सारे वीडियोस पे कोशिश किया कीजिए कि मेरे को कमेंट दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।